अस्सलाम वालेकुम। हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। मुमरा कौसा के जितने भी सोशल मीडिया चलाते हैं वो मुमरा में बहुत अच्छा रोल निभाते हैं, और हम हमेशा आप लोगों के शुक्रगुजार रहते हैं कि एक भी आवाज़ जो कहीं से भी आवाज़ आती है तो आप लोग लब्बैक कहते हैं। बहरहाल मुमरा का जो रनिंग, जो पब्लिक जिससे जूझ रही है, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेरा जो अहम मुद्दा है वो ये है कि मुमरा के जो लोगों ने जितेंद्र एवार्ड साहब को एमएलए बनाने के लिए जो वोटिंग किया था, इसके बाद में मुमरा शहर के लोगों ने उनको मंत्री बनाया, इसलिए बनाया कि मुमरा का हमारे विकास होगा। हम जितेंद्र एवार्ड साहब से पूछना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि मुमरा में रहने वाले लोगों की ये आवाज़ है कि जिस तरीके से हम 15 साल पहले लोड सेटिंग में जी रहे थे, वही लोड सेटिंग अब हमें एहसास दिला रहा है। और मुमरा में पब्लिक ये कह रही है कि जो विकास का नारा जो एनसीपी लगाती है, हमारे एमएलए जितेंद्र एवार्ड साहब कहते हैं कि हमारे पास कामों का जो है अंबार है, हम कामों से नहीं डरते। तो एक भी काम जितेंद्र एवार्ड साहब अपने बुक में क्यों नहीं बता रहे? बताना चाहिए मुमरा में कि हम जिस तरीके से उनके जो अध्यक्ष हैं समीम खान साहब ने कहा था कि मुमरा में अगर टोरेंट आएगी तो हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा, और हमारे चहीते जितेंद्र एवार्ड साहब और यहाँ के मंत्री और एमएलए उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम टोरेंट को लाने नहीं देंगे। तो फिर ये टोरेंट आई कहाँ से? आई है तो ऐसे बिल आ रहे हैं, जो घर बंद पड़े हुए हैं तो भी बिल आ रहे हैं। दूसरी चीज़, वो लोड सेटिंग कहीं काम चालू है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि हम 15 साल पहले जो है, पिछले जो मुमरा में हम ज़िंदगी काट रहे थे, पानी नहीं, लाइट नहीं, रोड नहीं, विकास नहीं, और एनसीपी 15 साल से हमारे मुमरा कौसा में मुसलमानों को बेहतरीन तरीके से शिवसेना से डरा करके वोट लेने वाली, सत्ता में आने वाली एनसीपी मुमरा के लोगों को क्यों नहीं दे रही है राहत? हमारा बड़ा सवाल है आप लोगों से कि हमारे एमएलए मंत्री जितेंद्र एवार्ड साहब ये क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं को देखते कि हमारा यहाँ का विकास क्या हो रहा है, और फिर इलेक्शन के टाइम पे बुक बना करके दे देना और कहना कि हमने ये विकास किया है। दूसरी बात, हम ये कहना चाहेंगे कि मुमरा का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो फुटपाथ बना करके दिया तो उसमें पब्लिक को चलने के लिए दिया था कि उसमें धंधा लगाने के लिए दिया था? म्यूनसिपालिटी धंधा लगवा करके, मेरा सीधा आरोप है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मुमरा में कि वो लोग बाकायदा उसकी रसीद फाड़ते हैं जो लोग धंधा लगाते हैं। और वो लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग धंधा लगवा करके उनसे पैसा ले रहे हैं, ये तो जिम्मेदारी है ना हमारे मंत्री साहब की। हमारे भी मंत्री हैं, हम मुमरा में रहते हैं, मुमरा शहर हमारा गाँव है या ये हमारा शहर है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनसे पूछें, क्योंकि हमने वोटिंग किया है, हमारे मुमरा पब्लिक, मुमरा के शहर के लोगों ने वोट दिया है उनको, तो हमारा हक है, मुमरा शहर के लोगों का हक है उनसे पूछने का कि क्या विकास हुआ है। फुटपाथ नहीं, अब दूसरी चीज़ देख लीजिए, गटर नाले का जो हाल है, बारिश का टाइम है, अभी 5 दिन के बाद में जून आ जाएगा, नाले की जो सफाई भी हो रही है तो वहाँ पर ऐसे लोगों को भी तरस आता होगा कि वहाँ के जो DCP से निकालते मिट्टी है, कचरा निकालते हैं, उसी नाले में साइड में लगाते हैं। अरे वाह, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सत्ताधारी पार्टी ऐसा काम कराएंगे कि बारिश आएगी तो वही कचरा नाले में चला जाएगा और मुमरा फिर डबाडब डूब जाएगा। अरे बाप रे बाप, ऐसा विकास? तो मुमरा का एक एक बच्चा, मुमरा का एक एक वोटर एमएलए जितेंद्र अवार्ड साहब से, और मैं एक मनसे का कार्यकर्ता होने के बावजूद, होने की वजह से मैं पूछना चाहता हूँ एमएलए जितेंद्र एवार्ड साहब से कि उनका कार्यकाल कहाँ है, उनका विकास कहाँ है? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं विकास नज़र आ रहा है। अब यहाँ के लोगों को अगर विकास नज़र आ रहा है तो फिर ये वो गलत फहमी में है। इंशाअल्लाह ताला 2022 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, यहाँ की सत्ता बराबर उनको जो है देगी जवाब कि सफाई में लगा हुआ है, DCP से जो कचरा उठाया जाता है उसमें लगा हुआ है। ये तो बड़ी शर्म की बात है जो जितेंद्र एवार्ड साहब कहते हैं
कि हमारा जो है विकास है मुमरा में। अरे ये तो डूब मरने की बात है, हम तो कहते हैं खुला कि एनसीपी को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, जिस तरीके से वो ये कहते हैं कि हमने मुमरा में विकास किया है, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। और कोई भी जनता जो है जब तक बर्दाश्त करती है जब तक सर के ऊपर पानी नहीं जाता, इंशाल्लाह ताला 2022 में इनके नगर सेवक गिन लेना, और इसके बाद में भी 2024 में एमएलए जितेंद्र वार साहब से मिल लेना कि आप कहाँ गए और आपके नगर सेवक कहाँ गए विकास के मुद्दे पर। अब यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, आपको इतने दिन के बाद टोरेंट भी याद आई, बराबर है, लेकिन उस वक्त हम नहीं थे यहाँ पर पदाधिकारी, कोई दूसरा रहा होगा, नहीं बात उठाया होगा, हम यहाँ के हमें यहाँ की आवाम के लिए फिक्र है, हम बात उठा रहे हैं। आप जब पदाधिकारी बने उसी वक्त उठा लिए, तो हमने तो एक दो बार उठाया भी बात को टोरेंट के, कि भाई जब टोरेंट आ रही थी, जब ये लोग कह रहे थे कि टोरेंट नहीं आना चाहिए मुमरा में, फिर भी यहाँ के एमएलए जो है आप लोगों के माध्यम से, आप पिछली देखिए वीडियो हमारी उठा करके, और उसके लोड शेडिंग की बात, अरे अच्छा ये क्या हो रहा है, चलो ठीक है लोड शेडिंग नहीं है, सुबह 6 बजे जा रही है, दिन के 2 बजे आ रही है, 5 बजे आ रही है, एमएसीबी यही करती थी, एमएसीबी भी यही करती थी लोड शेडिंग को, एमएसीबी भी यही करती थी कि लोड शेडिंग को वो काम बता करके काटती थी। ये तो उसी राह कदम में चल रहे हैं एमएसीबी की जैसा, एक तो बिल ज़्यादा ले रहे हैं, दूसरी बात अब काम का बहाना बता करके लाइट काट रहे हैं, 6-6 घंटे लाइट काट रहे हैं। अरे आप 2 घंटे काटिए, 1 घंटे एक एरिया में काटिए, 2 घंटे जो 6-6 घंटे लाइट गुले, कहीं हॉस्पिटल में पेशेंट पड़े हुए हैं कोई पूछने वाला नहीं है, घरों में बीमार लोग पड़े हैं कोई पूछने वाला नहीं है, बुजुर्ग लोग डायबिटीज़ शुगर और दुनिया भर के परेशानियों में से मुमरा के लोग जूझ रहे, क्योंकि लोग रोज़ कमाने खाने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। मेरा घर तनवर नगर में भी है, मेरा घर अमृत नगर में भी है, और मेरा घर ये सागर होटल के पास भी है सर। कितने घर हैं आपके, समझे? तो कहने का मतलब ये है कि मैं भी मुमरा में ही रहता हूँ ना, ऐसा नहीं कि मुमरा में नहीं रहता हूँ, मुमरा में ही रहता हूँ। तो मेरे घर में तो इन्वर्टर नहीं है, जनरेटर नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर, उनके घर में तो जनरेटर लगा हुआ है। टोरेंट के खिलाफ तो जो उतरना है तो उतरना है मन से, और आपके जरिए से ये कार्यकर्ता आप लोगों के जरिए से सत्ताधारी पार्टी को बताना चाहता है कि झूठे वादे मत करो, और जो है टोरेंट को जिस तरीके से लाए हो उस तरीके से टोरेंट को हटाओ, और अगर टोरेंट रहती है आप लोग थोपे हैं हम पर, तो उनसे कहो कि सही बिल भेजे और सही लाइट दे, नहीं तो मन से जो है अपना स्टाइल अपनाएगी। और मुमरा में बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे, मन से करेगी, और इनके खिलाफ करेगी, एनसीपी के खिलाफ करेगी। हमारे यहाँ के चहीते जो एमएलए और मंत्री है जितेंद्र रेवाड़ साहब, उनके खिलाफ करेगी, क्योंकि पब्लिक को जिस तरीके से बेवकूफ़ बना करके लालीपॉप दे करके वोट हासिल करके सत्ता हासिल करना, और सत्य के घमंड में कुछ भी करना, गुंडागर्दी करना, अगर हम सच बात बोलेंगे तो हमको तड़ीपार किया जाएगा, कोई भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता अगर कुछ सच बात बोलेगा तो उसको तड़ीपार किया जाएगा, हम भी अगर हक बात बोलेंगे तो हमको तड़ीपार की भी नोटिस दी जाएगी। तो मतलब हक बात मुमरा में नहीं करना है, जिस तरीके से आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हो तो इसी तरीके से बेवकूफ़ बने पब्लिक, इंशाल्लाह ताला 2022 में ही इनके नगर सेवकों को कहाँ पब्लिक उठा के फेंकेगी वो तो आप लोग देख लेना।